फ्यूसिडिन ऑयलमेंट जिसके अंदर कंटेंट सोडियम फ्यूसिडेट 2% वेट बाय वेट है, जो कि एक ऑयलमेंट बेस में है, तथा 15 ग्राम का यह ट्यूब रहता है, जिसका एमआरपी देखे तो इसका एमआरपी 152 है, तथा ये 5 ग्राम का भी क्रीम रहता है जिसका एमआरपी 50.89 रुपीज़ रहता है, तथा इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सन फार्मास्यूटिका एलएलपी के द्वारा, तथा ये बहुत ही अच्छा ऑइलमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है एज ए एंटीबायोटिक, तथा ये ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में, तथा ये रिलीफ दे देता है रेडनेस से, स्वेलिंग से, तथा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उससे जल्दी रिलीफ दे देता है, तथा ये स्टॉप करता है जो ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको स्टॉप कर देता है। ये क्रीम डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाने वाला क्रीम है, तथा इस क्रीम के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि इस क्रीम को ज़्यादा लगाने से क्या बेनिफिट है, या कम लगाने से क्या नुकसान है, या ज़्यादा लगाने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तथा ये क्रीम कहाँ मिलेगा, और अगर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंडेड करते हैं तो किस केस में आपको रिकमेंडेड करते हैं, तो वो सब बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। फ्यूसिडिन ऑइलमेंट जो कि सोडियम फ्यूसिडेट इसके अंदर डाला गया है कंटेंट, जो कि सिंगल मॉलिक्यूल कंटेंट डाला गया है इसके अंदर, तथा वो भी 2% इसके अंदर है, तथा इसको स्टोरेज रूम टेम्परेचर के ऊपर ही करने का है, जो कि एक एंटीबायोटिक है जो कि ट्रीटमेंट करती है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में, तथा सिम्टम को रिड्यूस कर देती है, तथा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक लेती है, तथा ये डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाने वाला क्रीम है, तथा इस मेडिसिन को एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तथा इसको रेगुलरली यूज़ करने का है जब तक आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलीफ ना मिले, तथा इस डॉक्टर के द्वारा ही रिकमेंडेड किया जाने वाला क्रीम है, और आप इसे खुद से ना लगाएं। अगर आप इसे ज़्यादा लगा रहे हो तो आपको बर्नन सेंसिटिविटी हो, अगर आप इसे ज़्यादा लगा रहे हो तो आपको स्किन इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप हमारे डॉक्टर को तुरंत बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपको, अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इजीली मिलता है मार्केट में, तथा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में ये यूज़ किया जाने वाला क्रीम है। तो इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर से ये ट्यूब कैसा दिखता है। तो ये छोटा सा फिशुडिक ऑइलमेंट जो कि सोडियम फिशुडेट ऑइलमेंट है, जो कि इजीली मिलता है मार्केट में, और इस तरह का ये ट्यूब दिखता है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहे इस ऑइलमेंट के बारे में तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया गया है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।